हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करूंगा विचर सीजन 2 का जो नेटफ्लिक्स पर 17 दिसंबर 2021 को आ गई थी। सीजन 2 के 8 एपिसोड है और सभी एपिसोड 1 आवर के हैं। सीरीज देखने के लिए आपको 8 घंटे देने पड़ेंगे। आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या नहीं ये मैं आगे बताऊंगा। विचर सीजन 2 ब्लड ऑफ एल्स बुक्स पर बनाई गई है। आते हैं स्टोरी पर। सीरीज की स्टोरी स्टार्ट होती है सीजन 1 के एंड से, जहाँ पे निल्फगार्ड की आर्मी को हरा कर येनेफर कहीं चली गई है और उसे ढूंढने के लिए गेराल्ट और सीरी आए हैं। सीजन 2 में का मेन फोकस सीरी पर दिया गया है। उनको विचेस बनाने की ट्रेनिंग दी गई है और नए किंगडम को भी दिखाया गया है। सीजन 2 को सभी कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में ही निकल गया है, पर सीजन 1 के हिसाब से सीजन 2 को एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि सीजन 1 की स्टोरी पास्ट और प्रेजेंट में फ्लक्चुएट होती थी और सीजन 2 की स्टोरी एक ही पेस में चल रही है। अभी बात करते हैं कैरेक्टर की। गेराल्ट का कैरेक्टर का फोकस मेन सीरी पर भी है, जो उसे विचेस बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। सीरी भी अपनी ट्रेनिंग को 100% देती है और उसे कैसे भी करके पास करती है। सीरी के पास भी सुपर पावर कम नहीं है, वो अपने आगे और भी सुपर पावर रिवील करती है। येनेफर की पावर खो चुकी है और उसे अब वापस पाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। येनेफर का जो कैरेक्टर प्ले कर रही है उसका नाम है आन्या कैलोट्रा। वो एक इंडियन ओरिजिन एक्ट्रेस है जो ये सीरीज में मेन लीड्स का रोल प्ले कर रही है। वैसे गेराल्ट का गुरु का रोल प्ले किया है वैसमीर का रोल भी अच्छा है और वो भी एक्सटेंडेड है गेराल्ट के गुरु का, जो सीरी को भी आगे जाके ट्रेन करते हैं। ये सीरीज में और भी नए कैरेक्टर रिवील किए हैं और भी नए विचेस की एंट्री हुई है। ये सीरीज में एल्स को भी एक सुपर पावर के साथ दिखाया गया है और सभी अलग अलग किंगडम को बिलोंग करते हैं। सीरीज में सभी कैरेक्टर की एक्टिंग अच्छी है। एक्शन की बात करें तो एक्शन भी इसमें अलग लेवल का दिखाया गया है। एक्शन और स्पेशल इफेक्ट बहुत अच्छी तरह से दिखाए गए हैं। गेराल्ट को सभी अलग अलग मॉन्स्टर के साथ लड़ते हुए भी दिखाया गया है। सीरीज का बेस्ट एपिसोड है एपिसोड 1 और एपिसोड 8। सीरीज देखते वक्त आपको अपनी एक्सपेक्टेशन हाई नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि सीरीज मेन फोकस कैरेक्टर डेवलपमेंट में ही कर रही है, तो ज़्यादा आपको एक्शन और स्पेशल इफेक्ट देखने नहीं मिलेंगे। और नेटफ्लिक्स ने आगे ये भी रिवील किया है कि इसके टोटल 7 सीजन और नेटफ्लिक्स ने सीजन के प्लानिंग की गई है। अभी तो इसके 2 सीजन आए हैं, अभी सीजन 3 तो प्लॉट में चल रहा है इनका आगे की प्लानिंग। अभी मेरा क्वेश्चन यही आता है, आपको सीरीज ये देखनी चाहिए या नहीं? आपको यह सीरीज जरूर देखनी चाहिए, ऐसे ये सीरीज देखने में बहुत ही अच्छी है और आपको मैं ये सीरीज को देता हूँ 10 आउट ऑफ 10। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।